नमस्कार, कंप्यूटर कोर्स के प्रथम दिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकेश। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर के कुछ भागों के बारे में जिनका उपयोग करना हम सीखेंगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र, औजार या डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए आंकड़ों या डाटा को ग्रहण कर उस पर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है और हमें इच्छित परिणाम प्रदान करता है। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर के कुछ मोस्ट कॉमन हार्डवेयर जो हमें प्रायः किसी डेस्कटॉप के साथ देखने को मिलता है। उनमें शामिल होता है मॉनिटर, सीपीयू या सिस्टम यूनिट, स्पीकर, प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड। अब सीखते हैं सीपीयू का यूज करना कि सीपीयू का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है उसमें सीडी या डीवीडी ड्राइव। मान लीजिए कि आपके पास कोई सीडी या डीवीडी है, उसमें आपके मनपसंद सॉन्ग्स, मूवीज या फाइल है और उसे आप अपने कंप्यूटर में रन करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस सीडी को सीडी या डीवीडी ड्राइव में इंसर्ट करना पड़ता है और सीडी या डीवीडी ड्राइव चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हेडफोन या माइक्रोफोन। मान लीजिए कि आपके पास होम थिएटर या आपके पर्सनल कोई हेडफोन है जिसमें आप अपने सॉन्ग्स आवाज सुनना चाहते हैं, तो इसकी मदद से आप वो इस यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट बटन, इसकी सहायता से आप कंप्यूटर रीस्टार्ट कर सकते हैं। पावर बटन, इसकी मदद से आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यूएसबी पोर्ट, मान लीजिए कि आपके पास आपका मोबाइल है या फिर कोई पेन ड्राइव या कोई डेटा कार्ड है और उसे आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसी यूएसबी पोर्ट की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था सीपीयू का रिव्यू। अब सीखते हैं माउस के भागों के बारे में। माउस में प्रायः तो दो बटन होते हैं, प्राइमरी बटन या लेफ्ट बटन, सेकेंडरी बटन या राइट बटन। इसमें प्रायः तो प्राइमरी बटन का यूज ज़्यादा किया जाता है। माउस में एक स्क्रॉल व्हील भी होता है जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट या वेब पेज को आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। अब सीखते हैं माउस को पकड़ना और उसे चलाना। सबसे पहले अपने माउस को पकड़ें और अपना जो फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर है उसे प्राइमरी बटन पर रखें और अंगूठे को साइड में रखें माउस के, जैसे कि ये नीचे एनिमेशन दिखा रहा है। इस प्रकार आप माउस पकड़ सकते हैं। अब इसे चलाने के लिए, जैसे आप मान लीजिए आपका माउस का पॉइंटर आपके डेस्कटॉप पर शो हो रहा होगा और आप चाहते हैं कि इस पॉइंटर को राइट में ले जाना है, तो आप अपने माउस को राइट डायरेक्शन में घुमाएं, जैसे कि मैं घुमा रहा हूँ और ये पॉइंटर घूम रहा है। अगर आपको लेफ्ट में ले जाना है तो उसे लेफ्ट में घुमाएं। जैसे कि मान लीजिए मुझे उस कंप्यूटर के आइकन पर ले जाना है, तो मैं सबसे पहले माउस को हल्का सा ऊपर लूँगा और उसी डायरेक्शन में घुमाऊँगा जिस डायरेक्शन में आइकन है, और इस प्रकार आप माउस चला सकते हैं। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग से तात्पर्य जब आप अपने माउस के पॉइंटर को किसी आइटम पर लेके जाते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स शो होता है जो कि उस आइटम के बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे ये देखिए, मैं इस फोल्डर पे ये माउस लेके गया और आप ये देख सकते हैं कि ये उसके बारे में, फोल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। सिंगल क्लिक, अब हम सीखेंगे सिंगल क्लिक करना। सिंगल क्लिक से तात्पर्य जब आप अपने माउस को किसी आइटम पर ले जाकर प्राइमरी बटन को एक बार दबाते हैं तो जो क्लिक होता है उसे सिंगल क्लिक कहते हैं। इसका उपयोग प्रायतः आइटम को सेलेक्ट करने, मार्क करने या किसी मेनू को ओपन करने में किया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये माउस में लेके गया और मैंने ये एक बार क्लिक किया तो इसे सिंगल क्लिक कहते हैं। डबल क्लिक,
जब आप अपने पॉइंटर को किसी आइकन पर लेके जाते हैं और अपने प्राइमरी बटन को डबल बार प्रेस करते हैं, तो जो क्लिक होता है उसे डबल क्लिक कहते हैं। डबल क्लिक का उपयोग प्रायतः फाइल, फोल्डर, ऑडियो और वीडियो को चलाने या ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं आपको डबल क्लिक करके दिखाता हूँ, मैं ये फोल्डर पे कर्सर लेके गया और ये मैंने डबल बार प्रेस किया तो ये फोल्डर ओपन हो गया। इस प्रकार आप भी डबल क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक से तात्पर्य जब आप अपने माउस के पॉइंटर को किसी आइटम पर ले जाते हैं और वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं या फिर सेकेंडरी बटन दबाते हैं, तो एक छोटा सा मेनू ओपन होता है जो उस आइटम से जुड़े बहुत से फंक्शन दिखाता है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे ये लिस्ट, मेनू लिस्ट ओपन हो गई। अब मान लीजिए कि मैं इस आइटम को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मुझे इस आइटम को डिलीट करने के लिए डिलीट पर क्लिक करना होगा। अगर मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ तो मुझे कॉपी पर क्लिक करना होगा। इस तरह मैं सेकेंडरी बटन का यूज कर सकता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। कंप्यूटर कोर्स से जुड़े और वीडियो के लिए और हमारी रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई गई लिंक पर क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।